शिप वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे अभी हमको किस तरीके का खाना मिलेगा? Nowadays very changes. आज के दिनों में बहुत चेंजेस है. स्टाफ को ज़्यादा खुश रखा जाता है पहले के मुकाबले. पहले जैसे इतने एक जैसे आपने बताया एक दाल चावल, अभी ऐसा नहीं है. पर डे सबके लिए एक दाल चावल भी रहता था, कभी छोले रहते थे, कभी राजमा, कभी लेंटिल से रिलेटेड एक सूप रहता था. ये हर कंट्री के लिए एक रहता था, एक स्पेशलिटी, बल्कि एक नेशनल सूप रहता था. ब्रेड्स रहती थी डिफरेंट टाइप्स की, राइस रहते थे, एक नॉन वेज रहता था हर कंट्री का. प्लस जो क्रू में इसके शेफ होते थे, जो इंचार्ज होते थे हमारे, वो पर मंथ एक स्पेशली ऑर्गेनाइज करते थे पार्टी हर नेशनलिटी के हिसाब से कि आज इस मंथ में इंडियंस फूड होगा, फेस्टिवल मनाया जाएगा, आज अफ्रीकन, आज फिलिपिनो, आज इंडोनेशियन, इस टाइप से पूरे क्रू को हैपनिंगली क्रिएट करके हर टाइप के फूड का अरेंजमेंट करते थे. मतलब कि मैं बोलूं कि भाई जो काम करने वाले जिनको कि हम लोग क्रू बोलते थे, उनके लिए स्पेशल एक किचन होता था, ठीक है, जहाँ पे उन लोगों का खाना बनाया जाता था. उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें वहाँ की दी जाती थी. फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पे? बिल्कुल, फ्रूट्स मिलते थे, फ्रूट्स होते थे, सीरियल्स होते थे, जूसेस होते थे. ब्रेकफास्ट में आपका नट्स होते थे, ब्रेड्स होते थे, डोनट्स होते थे. आपको जो भी आपका जो भी सेम एज अ गेस्ट आपको ट्रीट किया जाता है एज ए इन आपके क्रू मेस में. ओके, मतलब देखेंगे तो बहुत वाइड वैरायटी हो जाती है, तो खाने पीने की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए अगर आप शिप में जा रहे हैं.